बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर आपको बता दें, सुबह सुबह जो है यहाँ पर एल्विश यादव फुकरा इंसान के मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो यहाँ जो नागिन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो जिया शंकर के लिए कर रहे हैं और फुकरा को कह रहे हैं कि तू उसके वश में आ गया है। दरअसल बीती रात को हुआ ये था कि एल्विश यादव ने फुकरा इंसान से कहा था कि या तो जिया जो है आशिका के साथ सो जाए या फिर मैं तेरे साथ सो जाता हूँ, हम कुछ भी कर लेते हैं, बेड स्विच कर लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों जिया नहीं मान रही थी उनके बेड पर आने के लिए, लेकिन जब फुकरा इंसान से कहा यहाँ पर एल्विश ने कि तुम मेरे बेड पर आ जाओ, तो उस समय आशिका ने भी डिनाई कर दिया था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये निष्कर्ष निकला कि फुकरा इंसान ने मना किया है साथ में आने के लिए। तो अब यहाँ पर टांग खींचते हुए नजर आ रहे हैं एल्विश यादव फुकरा की कि साले तू भी नहीं आया ना, तेरे को तो इतना बोला भी था मैंने कि सोने के लिए मेरे साथ आ जा, भाई बहुत परेशान हो जाता हूँ मैं इसके साथ सोता सोता, इसके यानी आशिका के साथ सोता सोता। आशिका जो है रात घुसे चलाती है और साथ ही साथ जो बिस्तर है उसके ऊपर बिल्कुल ही कम जगह देती है यहाँ पर सोने के लिए एल्विश यादव को, क्योंकि वो कंफर्टेबली नहीं सो पा रहे हैं। अब ये बात जब फुकरा इंसान से कहते हैं कि तू साले नागिन के वश में आ गया है, तो वो कहते हैं कि नागिन के वश में नहीं आया हूँ मैं, तो सपेरा हूँ, सपेरा नागिन को वश में कर लेता हूँ। तो बोला नहीं भाई, तू नागिन का नाग हो रखा है बिल्कुल ही, मतलब जो उसके हिसाब से ही चल रहा है भाई। सुबह सुबह कह रहा था कि मिसिस से पूछो, अरे मिसिस से क्यों पूछो भाई, मिसिस थोड़ी हो तेरी, और फिर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। बहरहाल कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि आपका क्या कहना है इस बारे में। बिग बॉस के और भी लाइव फीड के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।